हेलो दोस्तों, ऑटो सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जो आपको डुबा के छोड़ देगा। क्योंकि दोस्तों ये बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी मंदी आई है और भी आने वाली है। मतलब ये जो मंदी आपके सामने देखा जा रहा है, 50% स्टॉक का प्राइस गिर गया है, ये कुछ नहीं है, और भी गिर सकता है। तो कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं ये सब में से जो आपको और भी भारी नुकसान देने का संभावना है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपने वो स्टॉक को ख़रीदा है तो थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना अच्छा रहेगा एक्स्ट्रा एटीट्यूड से। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको भारी नुकसान देने वाला है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अशोक लेवलैंड से। ठीक है, अशोक लेवलैंड जो गिर चुका है, थोड़ी बहुत और गिर सकता है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा भी। ठीक है, जैसे कि आज हम देख सकते हैं मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तक कि निफ्टी भी अच्छा खासा आज परफॉर्म किया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने बढ़ती हुई मार्केट में आपको निराश किया है। यहाँ तक कि दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स की भी कटौती की, मतलब थोड़ी बहुत जितना भी हो सकता था आम जनता के लिए भी जितना रिलीफ देना चाहते थे दी। लेकिन ये दोस्तों अशोक लेवलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक जो है आपको भारी नुकसान देने का ताकत रखता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मैं बोलूँगा अगर आप महिंद्रा खरीदना चाहते हो तो ये आपको भारी नुकसान दे सकता है। तो ये आपको किसी भी हाल में अभी नहीं खरीदना है। मैं आपको इसका परफॉर्मेंस और रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी आपको जरूर प्रॉफिट देगा। 70-80 के भाव में भी ये आपको मिलेगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, और हीरो मोटर को आप, ये दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा, ये तो गिरने ही वाला। ठीक है, ये अभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए गिरेगा। बजाज ऑटो भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन मारुति दोस्तों, मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो 50% है पूरा इंडिया में। और ये जितने भी स्टॉक हैं, एक मिनट, मारुति इसको अलग छोड़ दीजिए। ठीक है, हम मारुति को अलग कर देते हैं। उसके बाद ये जितने स्टॉक हैं और ये जितने भी और भी स्टॉक आते हैं दोस्तों, वो अलग हैं और ये अलग है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देने वाला स्टॉक मारुति, और मारुति आपको कितने में मिल रहा है? केवल 4000 में मिल रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि 4400 है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, जल्दी ही आपको 4000 में भी मिल जाएगा। ठीक है, और 4000 से नीचे भी आपको मिल सकता है। तो ये वो स्टॉक है जिसमें आपको अच्छा से अच्छा दाव लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा से दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये स्टॉक में सबसे ज़्यादा वीकनेस है। यहाँ पर देख सकते हैं 600 रुपीज़ तक ये स्टॉक हाईएस्ट मारा था, वो भी फरवरी में। ठीक है, और उसके बाद जल्दी दोस्तों ये स्टॉक देखिए 200 का रेंज भी टच कर रहा है। ठीक है, 200 का रेंज, तो सोच सकते हैं 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6, मतलब कि दोस्तों जब भी ये स्टॉक गिर रहा है तो बहुत भारी मात्रा में गिर रहा है। अगर ऐसे ही स्टॉक गिरता रहा तो आपको और भी बड़ा नुकसान दे सकता है। 4, 6, पहले 600 था, फिर 400 हुआ, अभी 200 के रेंज में आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए 200 के रेंज में। तो ये दोस्तों 50% अगर टूट जाएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा। ठीक है, और अगर हम कुछ दिनों का डेटा देखते हैं, केवल 5 डेज का अगर हम डेटा देखते हैं इसका, तो भी दोस्तों ये स्टॉक 5 दिनों के अंदर ही, ठीक है, वर्किंग डे का हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए वर्किंग डे में दोस्तों 325 के आसपास गया था। 325 के आसपास से दोस्तों जब भी ये स्टॉक गिरना स्टार्ट किया ये लेवल में, तो यहाँ देखिए बीच का जो ये है ग्राफ है वही गायब हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आज के डेट में मार्केट सेशन में जब ये मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो आज के डेट में भी ये मार्केट में ये स्टॉक नुकसान ही दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं निफ्टी में भी पॉजिटिविटी था और सारे ऑटो सेक्टर में पॉजिटिविटी था, यहां पर देख लीजिए सारे ऑटो सेक्टर में। और दोस्तों ये स्टॉक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ख़रीदने के लिए मना कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तो ये स्टॉक का जो है टारगेट रखा गया था, मेन टारगेट रखा गया था दोस्तों 230 रुपीज़ रखा गया था। ठीक है, 230 रुपीज़, आप सोचिए इतना नीचे का लेवल कौन टारगेट देगा। हालाँकि यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक का जो हाइएस्ट 52 वीक हाई मारा है दोस्तों, वो 695, मतलब 700 का स्टॉक का जो प्राइस है वो 230 रुपीज़, मतलब कि 200, केवल 200 रुपये बताया जा रहा था। मतलब स्टॉक पूरी तरह से टूट चुका है। और इसका अगर हम देख सकते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट में भी ये कंपनी ने बहुत बैडली परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले हम क्वार्टर रिजल्ट का बात करते हैं, ठीक है,
तो ये है भाई, एक मिनट, तो ये लाइन में आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर लिखा हुआ, ठीक है। और ये लाइन में आपको वन ईयर का रिजल्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। ये ईयरली रिजल्ट है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखे हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कंपनी की कितनी हालत ख़राब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ नहीं, जीरो बटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ये है क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। ये है वन ईयर का रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी को 42.57% जो भी है इसको नुकसान हुआ है। सोच लीजिए 50 तो हो ही गया है कि नहीं, क्योंकि 42 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। और उसके बाद ये वन ईयर का रिजल्ट में यह कंपनी देख लो 84.74, ठीक है, मतलब 75% यहाँ पर टूट चुका है। तो बताइए अगर इतना बड़ा गिरावट होगा तो ये कंपनी आपको मतलब डेफिनेटली लॉस ही लॉस देगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बच के रहिए, कंपनी डूबे चाहे ना डूबे, ये तो कल को हो सकती है, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आप जैसे छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा तो दोबारा पैसा लाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, सोच लीजिए, ठीक है। वीडियो बनाना मेरा काम था, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और ये इस वीडियो का कंक्लूज़न और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था, इस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर में यही एक कंपनी है जो ज़्यादा वीकनेस वाली दिखाई देती है। बाकी मारुति के पीछे पड़ो, जिसके पास 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके पीछे पड़ो, वो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।